नगर परिषद चंबा के दायरे में रहने वाले लोगों ने ठेकेदारों पर कूड़ा कचरा एकत्रित करने के बाद उसे रावी नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से नगर परिषद के ठेकेदारों द्वारा रात के समय एकत्रित कूड़ा रावी नदी में फेंका जाता है, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के चलते जहां ये नदी प्रदूषित हो रही है, स्थानीय लोगों ने कहा कि इस संबंध में कई बार प्रशासन व नगर परिषद से भी बात की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे ऐसा है कि कूड़ा फेंकने की रोज कूड़ा फेंकते हैं, हमें पता नहीं चलता, रात को आके कूड़ा फेंकते हैं। पब्लिक प्लेस है, यहाँ साथ ही मंदिर है शीतला माता का, लोग आते जाते हैं। सुबह देखना मॉर्निंग वॉक पे लोग चले हुए हैं और नाक ऐसे डूबा, कोई अफसर जा रहा है, कोई कौन जा रहा है, कोई कौन जा रहा है, इतनी बदबू आती है, यहाँ चलना फिरना मुश्किल है। और साथ में हमारी रावी नदी है जो पवित्र नदी है, इसमें रोज कूड़ा फेंकते हैं। तो यहाँ पर बार बार कमेटी वाले कूड़ा फेंक जाते हैं, जिसके कारण पूरी पब्लिक को और टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट बेचारे नाक मुंह बंद करके आगे भाग जाते हैं। कमेटी की जो भी गाड़ियां हैं जहाँ पर इनको संयंत्र दिया गया है वहाँ पर कूड़ा फेंके। यहाँ पर रावी की अभी भी आरती हुई थी, रावी की आरती के मतलब तुरंत बाद दो तीन दिन के बाद ही कूड़ा यहाँ पर फेंकना शुरू कर दिया फिर से। यहाँ पे रोज रात को बंद की गाड़ी आती है और रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी जगह फैल जाती है। एक्चुअली यहाँ पे शीतला मंदिर का ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पे आग लगा के पूरा धुंध के गंदगी फैला रखी है 24 घंटे। हमने बहुत बार कंप्लेंट भी करी है पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।